दोस्तों आज मैं हाजिर हूँ फिर से एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तोरे खाना सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है तोरे खाने से होने वाले फायदे के बारे में। दोस्तों सभी डॉक्टर सलाह देते हैं कि सेहतमंद रहने के लिए हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरी सब्जियों में ऐसे मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं जो शरीर को सेहतमंद बनाए रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तोरई भी उनमें से एक है। तोरई एक हरी सब्जी है जिसे आम भाषा में नेनुआ, किसूरा और झींगा कहा जाता है। ये तोरई विटामिन, फाइबर, प्रोटीन और मिनरल से भरपूर होती है। इसके साथ ही इसमें कैल्शियम, कॉपर, आयरन, पोटेशियम और फॉस्फरस जैसे तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। इसको उचित मात्रा में प्रतिदिन खाने से रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। ये सब्जी खून साफ करती है और खून की कमी दूर करती है। इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें खून और पेशाब में चीनी की मात्रा कम करने का गुण होता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। दोस्तों जिन लोगों को बार बार कब्ज की शिकायत रहती है, ऐसे लोगों को तोरे के बीजों को पीसकर 1 से 2 ग्राम की मात्रा में रोजाना पंखी लेनी है। इससे कब्ज में बहुत आराम होता है। पथरी की बीमारी में तोरे की सब्जी खाना फायदेमंद होता है। इससे भूख भी बहुत बढ़ती है। दोस्तों ये त्वचा रोगों में भी अधिक फायदेमंद होती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल जैसे गुण पाए जाते हैं। इसके ताजे पत्तों को दांत खुजली, गिली खुजली और कुष्ठ रोग पर लगाने से बहुत फायदा होता है। दोस्तों इसके ताजे फलों का जूस बनाकर रोजाना 10 से 15 मिली की मात्रा में पीने से डायबिटीज नियंत्रण में होता है। दोस्तों कुछ लोगों को पेट में पानी जमा हो जाता है, इसे जलोदर कहा जाता है। अगर आपके आसपास में या आपकी जानकारी में कोई इस रोग से पीड़ित है तो ऐसे रोगियों को बताएं कि तोरे की जड़ों का चूर्ण बनाकर 1 से 2 ग्राम की मात्रा में रोजाना खाएं। इसके साथ ही तोरे के ताजे पत्तों को पीसकर लहसुन के साथ मिलाकर लेप लगाए, इससे जलोदर रोग जल्दी ही ठीक होता है। दोस्तों सफ़ेद बालों को काला करने के लिए भी तोरे का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए एक नुस्खा मैं बताता हूँ, ध्यान से सुने। सबसे पहले तोरे को लेकर छोटे छोटे टुकड़े करके साव में सुखा लीजिए, फिर 3 से 4 दिन के लिए नारियल तेल में रख दे। इसके बाद नारियल तेल को धीमी आंच पर तपा लीजिए और छान कर इसे रख लीजिए। फिर इस तेल से बालों पर हल्की हल्की रोजाना मालिश करें। इससे कुछ ही दिनों में बाल काले और घने बनने लगते हैं। दोस्तों कड़वी तुरई को पीसकर लेप बनाकर माथे पर लगाने से सिर का दर्द दूर होता है। दोस्तों ये आंखों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। इसके लिए कड़वी तुरई के बीजों को इकट्ठा करें, फिर मीठे तेल में इसे घिसकर आंखों में काजल की भांति रोजाना लगाए। इससे मोतियाबिंद जल्दी से नहीं आता और मोतियाबिंद ठीक भी होता है। दोस्तों ये शरीर में होने वाली गांठों को भी दूर करता है। इसके लिए तोरे के पत्तों का रस निकालकर पिपली चूर्ण मिलाए और इसे छानकर 1 से 2 बूंद नाक में डालें। इससे गले में होने वाली गांठों में अति फायदा होता है। इसके अलावा इसके ताजे पत्तों और फलों को लेकर इसका काढ़ा बनाएं और इसे 10 से 20 मिली की मात्रा में रोजाना रोगी को पिलाने से टॉन्सिल की सूजन दूर होती है। इसके साथ ही खांसी और सांस फूलने की बीमारी भी दूर हो जाती है। दोस्तों जिन लोगों को बार बार कब्ज की शिकायत रहती है, ऐसे लोगों को तोरे के बीजों को पीसकर 1 से 2 ग्राम की मात्रा में रोजाना पंखी लेनी है। इससे कब्ज में बहुत आराम होता है। पथरी की बीमारी में तोरे की सब्जी खाना फायदेमंद होता है। इससे भूख भी बहुत बढ़ती है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।